ये मैंने अनार के पौधे लगा रखे हैं। 6 हेक्टेयर के अंदर 4,200 पौधे लगे। अनार के पौधे हैं वो जैन के हैं, सारा जो है वो फंक्शन जैन का ही लिया हुआ है। तो ड्रिप से अच्छी खेती हो गई, ड्रिप में पानी भी कम खर्च होता था। अब वो कैरी से खेती करते हैं तब वो 50 बीघे में होती है, ड्रिप से 200 बीघे तक खेती हो जाती है उतने ही पानी में। जैन वाला का ये सोलर प्लांट भी लगा हुआ, पौध के अंदर पानी स्टोरेज हो जाता है, वहाँ से लिफ्ट कर देते हैं पंप के थ्रू। अब ड्रिप में तो चाहे ऊपर नीचे कहीं भी हो, अब उसको थोड़ा सा एक बार खड़ के उसको ड्रिप लगा दी, क्योंकि जहाँ उसको पौधे को पानी चाहिए वहीं उसका पानी मिलता है, दूसरी जगह पर पानी मिलता नहीं तो खरपतवार होती नहीं। बूंद बूंद सिंचाई अपनाना जरूरी है, नहीं तो फिर ये पानी एक दिन ऐसा आएगा कि पीने को नहीं मिलेगा। मेरा नाम नरपत सिंह नाम है, ये गांव बेले बैसेर चौंडेली है, यहाँ आकर बसा हुआ हूँ मैं। पहले इसका वाटर लेवल 160-170 फुट पर वाटर लेवल था। सबसे बेस्ट एरिया हमने ये चुना, ये एरिया सबसे बढ़िया है। और यहाँ मिर्ची की फसल होती थी पहले खूब, मथाने की मिर्ची फेमस थी, ये मथाने एरिया में ही आता है, ये तिवरी बालरवा बैसेर कोटवाली वगैरह ये सब। और एरिया भी पूरा हरियाली थी उसकी, अच्छी थी, इसलिए इस एरिया को चुना भैया। तो सर्विस स्पीड में मैंने ये तय कर लिया कि ज़मीन लेनी इस साइड में लेनी, तो ये ज़मीन यहाँ खरीदी पहले 50 बीघा। पहले मिर्ची की फसल भी खूब होती थी मेरे यहाँ, 3,000-3,000 मण मिर्ची मैंने यहाँ पैदावार ली है इस फार्म से। फिर धीरे धीरे करते करते जब इस चारों तरफ से ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल होने लग गए, पहले इतने ट्यूबवेल थे ही नहीं, कोई मुश्किल से एक या दो, पहले एक रोटरी सिस्टम था उसमें 2 महीने में जा करके एक ट्यूबवेल बनता था। फिर हार्ड रॉक की मशीन आ गई तो ट्यूबवेल 8 घंटे 10 घंटे के अंदर बनना शुरू करे, 8 घंटे 10 घंटे के अंदर 600 फुट 700 फुट ड्रिलिंग हो जाता था और उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो ट्यूबवेल हो गए खूब और वाटर लेवल डे बाई डे नीचे चलना शुरू हो गया था। अब वाटर लेवल इस टाइम है 700 फुट के आसपास, आप समझ लो ना 500 फुट नीचे चला गया। अच्छा, रिचार्ज का एरिया है नहीं यहाँ, कोई नदी वगैरह इस नज़दीक में कहीं है भी नहीं जिससे रिचार्ज हो। फिर हमने ड्रिप लगाई जैन वालों से, तो ड्रिप से अच्छी खेती हो गई, ड्रिप में पानी भी कम खर्च होता था। अब वो कैरी से खेती करते हैं तब वो 50 बीघे में होती है, ड्रिप से 200 बीघे तक खेती हो जाती है उतने ही पानी में। ड्रिप से सारी फसल होती थी, अच्छी पैदावार देती, एवरेज भी अच्छा था उसका। धीरे धीरे करते पानी और कम होता, देखते मैंने कहा अब ये पानी इतना ही नहीं, तब ये अनार के खेती का विचार किया कि भाई इसमें और भी पानी कम चाहिएगा, इसलिए 1.5 साल हुए अब अनार की खेती कर रहा हूँ। अब अभी फसल तो ली नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगी फसल। ये जो अपन बैठे हैं यहाँ पर, ये मैंने अनार के पौधे लगा रखे हैं, ये 5 हेक्टेयर के अंदर लगा रखे हैं। और पौधों के दोनों तरफ डबल लाइन लगी हुई है, 4x3 का दूरी है इसकी। और अभी 1.5 साल हुआ इसको लगाए हुए, टिश्यू कल्चर अनार है वो जैन का लिया हुआ, और ये जो ड्रिप लगी हुई वो भी पूरी जैन की है, सोलर प्लांट जैन का लगा हुआ है, ये सब जैन का ही है, जैन के थ्रू जैन का। इनकी सर्विस अच्छी है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। और दो घंटा पे इसमें पानी कम ही चाहिए तो इसलिए दो घंटा के अंदर पी जाता है। 6 हेक्टेयर के अंदर लगाई है मैंने पूरी। अब राजस्थान के अंदर अगर खेती को चालू रखना ही है तो इसके अंदर ड्रिप से स्प्रिंकलर है, ये जो जहाँ से कम पानी खर्च होता है वही चीज़ यूज में लेंगे तब तो खेती होगी, नहीं तो खेती होगी नहीं। और इससे फ़ायदा भी बहुत है, इसमें ट्रैक्टर खड़ाई की भी कम खर्चा होता है। एक तो उस पहले जो कार्ड कैरी से पानी पिलाते थे उसमें ट्रैक्टर बार बार कैरना लेवल करनी पड़ती थी जब जाकर पानी पीता, अब ड्रिप में तो चाहे ऊपर नीचे कहीं भी हो, अब उसको थोड़ा सा एक बार खड़ के उसको ड्रिप लगा दी तो बूंद बूंद सिंचाई से वो आराम से। अच्छा, दूसरी बात है इसमें ज़मीन बिल्कुल जैसे तैयार की हुई होती है ना खेती के लिए, वैसे ही पूरी फसल पकती तक जब ज़मीन रह जाती है।